तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉन्टेड लवर मूवी को, जो कि एक थाई हॉरर फिल्म है। इस मूवी का पूरा नाम है माय एक्स हॉन्टेड लवर, क्योंकि ये मूवी माय एक्स नाम की एक हॉरर फिल्म की सीक्वल है। इस मूवी की स्टोरी माय एक्स मूवी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है सी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो अपनी दो दोस्तों के साथ एक मूवी देखकर आ रही होती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद सी देखती है अपने बॉयफ्रेंड ऑफ को, जो यिंग नाम की लड़की के साथ होता है। अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर सी को गुस्सा आ जाता है और उसकी दोस्त उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। ऑफ सी का फ़ोन भी नहीं उठाता और सी इमेजिन करती है कि उसने थिएटर में जाके ऑफ को कन्फ्रंट कर दिया है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। अब सी को अपने हैप्पी मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है रात के टाइम पे, जहाँ पे यिंग पहुँचती है ऑफ के घर पे। ऑफ के घर पे ऑलरेडी सी आई हुई थी और ऑफ सी को बताता है कि वो यिंग से प्यार नहीं करता और वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और ऑफ पे अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये सारी बातें यिंग भी सुन लेती है और जब सी यिंग को देखती है तो यिंग वहां से भाग जाती है और सी भी ऑफ को चाटा मार के वहां से भाग जाती है। अब यिंग ऑफ की बिल्डिंग की छत पे पहुंचकर रोने लगती है और वो ऑफ की बातें सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के सामने वाले पूल पे, जहाँ पे अचानक ही यिंग नीचे गिरती है और वो बुरी तरह मारी जाती है, क्योंकि उसकी गर्दन टूट जाती है। पूल में हर जगह खून हो जाता है और पुलिस आके यिंग की बॉडी को बाहर निकालती है, और ये सब ऑफ बड़े ही सस्पिशियस तरीके से देख रहा था। अगले दिन हमें बाओई को दिखाते हैं, जो सी की बहन होती है और वो एक फेमस एक्ट्रेस है। उस दिन सी अपनी बहन के साथ स्टूडियो में आई थी और अब सी के पास आता है ऑफ का फ़ोन। फ़ोन पे ऑफ सी को यिंग की मौत के बारे में बताता है और वो सी को फिर से रिलेशन के लिए बोलता है, पर सी अब ऑफ की बातें नहीं सुनती और वो फ़ोन काट देती है। अब ऑफ गुस्से में अपना फ़ोन एक पेंटिंग में फेंक कर मारता है और एक पल के लिए उसे दिखाई देती है यिंग की भयानक आत्मा और ऑफ डर जाता है। अब बाओई अपनी बहन सी को लेके जाती है एक ऑडिशन दिलवाने के लिए, क्योंकि सी को भी एक एक्ट्रेस बनना था। वो ऑडिशन होता है एक हॉरर फिल्म का, पर ऑडिशन देते वक्त सी को यिंग की आत्मा दिखाई देती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उस टाइम पे बाओई और डायरेक्टर को ये लगता है कि सी एक्टिंग कर रही है और डायरेक्टर सी को मूवी में रोल दे देता है। ऑडिशन ख़त्म हो जाता है, पर सी अभी भी यिंग की आत्मा से डर रही थी और वो अचानक ही वहाँ से भाग जाती है और बाओई को थोड़ा अजीब लगता है। अब बाओई बाहर जाके सी से बात करती है और तभी वहाँ पे फिल्म का डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर सी और बाओई को इंट्रोड्यूस करवाता है मिस्टर कार्न से, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है। कार्न को सी और यिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं और दोनों ही बहनें कार्न को पसंद करने लगती है। अगले सीन में सीन बाथरूम में होती है, जहाँ पे ऑफ का फ़ोन आता है। सी ऑफ का फ़ोन काट देती है, पर ऑफ पीछे से आके सी को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि बाओई टॉयलेट के बाहर ही होती है। अब ऑफ सी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर अचानक ही सी बदल जाती है यिंग की भयानक आत्मा में और तभी सी जाग जाती है। मतलब ये बस सिर्फ एक सपना था। जागने के बाद सी वॉशरूम में चली जाती है और बाओई किचन में होती है। उसी टाइम पे ऑफ का फ़ोन सी के पास आ जाता है और बाओई फ़ोन को उठा लेती है। फ़ोन पे ऑफ को बाओई बुरा भला बोल देती है और वो फ़ोन काट देती है। अब इसके बाद सी को दिखाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अभी अभी उसके कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और अब पार्टी करने के लिए सी और बाओई जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे सी की दोनों दोस्त भी आती हैं और अब वो चारों प्लान करती हैं एक रिजॉर्ट में जाने का, जहाँ पे सी की फ़िल्म की शूटिंग होने वाली है।
अब वो चारों अपनी ट्रिप पे निकल जाते हैं और रास्ते में वो एक बुद्धिज्म मंदिर में जाके प्रे करते हैं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद सी को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है और थाईलैंड में मरे हुए पक्षी को एक अपशगुन माना जाता है। अब रिजॉर्ट की तरफ जाते हुए सी को यिंग की डेड बॉडी रोड पे पड़ी हुई दिखती है और सी उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद वो सब लोग रिजॉर्ट तक जाने के लिए एक बोट में भी ट्रैवल करते हैं और जब सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे तो सी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। अब सी को उसकी दोस्त फोटोज़ खींचने के लिए बुला लेती है, पर फोटोज़ खींचते वक्त बाओई को सी के पीछे यिंग की आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा अगले ही पल गायब हो जाती है और बाओई थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग नोटिस करते हैं एक डेड बॉडी को जिसे पानी से बाहर निकाला जा रहा था और इस सब से सी की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो चारों दोस्त रिजॉर्ट में पहुंच जाती हैं जिसके बाद वो सब वॉक के लिए जंगल में जाती है। जंगल में चलते चलते वो चारों लड़कियां पहुंच जाती हैं एक श्राइन पे जो मरे हुए लोगों के लिए होती है, पर अभी उस श्राइन को बनाया जा रहा था। आसपास के लोगों ने श्राइन के पास भूतों के लिए खाना रखा हुआ था और सी और उसकी एक दोस्त उस खाने पे चढ़ जाती है और अब सी के साथ एक के बाद एक अपशगुन होने लगे थे जिससे उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो सब लोग रिजॉर्ट जाके फ्रेश वगैरह होते हैं और वो चारों बैठ जाते हैं टारट कार्ड खेलने के लिए। उस गेम में सी के भविष्य में हमें पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है और उसके पुराने लवर के साथ ही साथ उसकी लाइफ में एक और लवर आने वाला है। ये बातें सी को डिस्टर्ब कर देती हैं और तभी मिस्टर कार्न वहाँ पर आ जाता है। हमें पता चलता है कि मिस्टर कार्न असल में इस रिजॉर्ट का मालिक है और वो सी को पसंद करता है, पर ये बात बाओई को अच्छी नहीं लगती। अब कुछ देर बाद सारे लोग पानी में खेल रहे होते हैं जहाँ पे सी को एक बार फिर से यिंग की स्पिरिट दिखाई देती है। सी डर के पानी से बाहर निकल जाती है और उसके पास आता है मिस्टर कार्न और अब उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। अब रात को सोते हुए हमें सी की दोनों दोस्तों को दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों को बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो दोनों बेड के नीचे देखती हैं तो उन दोनों को दिखाई देती है यिंग की स्पिरिट। यिंग की स्पिरिट उन दोनों लड़कियों को इतना ज़्यादा डरा देती है कि अगले दिन वो दोनों लड़कियाँ अपनी ट्रिप कैंसिल करके वापस घर चली जाती हैं। अब जब बाई और सी साथ में होते हैं तभी सी को उसकी दोस्तों का फ़ोन आता है। फ़ोन पे सी की दोस्त जल्दबाजी में न्यूज़पेपर पढ़कर सी को सुनाती है और हमें पता चलता है कि जो यिंग थी वो असल में मिस्टर कार्न की बेटी थी और सी की दोस्त सी को वार्निंग देती है मिस्टर कार्न और ऑफ से दूर रहने के लिए, पर तभी फ़ोन कट जाता है और सी की दोस्तों का एक ट्रक से बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों ही मारी जाती हैं। अब फोन कटने के बाद जब सी आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक ही सी के आसपास पानी आ जाता है और कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। सी अब सीधा गहरे पानी में पहुंच जाती है जहां पे यिंग की आत्मा उसे डुबा के मारने की कोशिश करती है, पर तभी सी जाग जाती है। जागने के बाद सी देखती है कि वो असल में सेट पे शूटिंग कर रही थी जब वो अचानक बेहोश हो गई और मिस्टर कार्न उसी के साथ होता है। अब रात तक सी और मिस्टर कार्न साथ में ही होते हैं और वो दोनों किस भी करते हैं और दूसरी तरफ बाओई के पास आता है ऑफ का फ़ोन। कुछ देर बाद जब सी वापस घर पहुंचती है तो उसे घर पे बाओई नहीं मिलती, पर घर पर होता है ऑफ और हम समझ जाते हैं कि बाओई ने ऑफ को वहां पे बुलाया है क्योंकि सी और मिस्टर कार्न कुछ ज़्यादा ही टाइम साथ में बिता रहे थे और ये बात बाओई को बिल्कुल नहीं पसंद थी क्योंकि वो मिस्टर कार्न को पसंद करती थी। अब तभी लाइट चली जाती है और ऑफ सी को कसकर पकड़ लेता है। सी वहां से भागने की कोशिश करती है पर ऑफ बोलता है कि क्या तुम भूल गई उस रात क्या हुआ था। अब तभी सी के होश उड़ जाते हैं और सीन जाता है पास्ट में।
पास्ट में हमें सी को दिखाते हैं जो ऑफ के घर पे उस पर गुस्सा कर रही थी, पर ऑफ बताता है कि वो यिंग का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अब तभी सी यिंग को गेट के बाहर रोता हुआ देख लेती है और वो बड़े ही सेल्फिश तरीके से ऑफ को गले लगा लेती है और वो यिंग को चढ़ाने लगती है। अब जब यिंग छत पर रो रही होती है तभी सी वहाँ पर आती है और सी यिंग से बहस करने लगती है और जानबूझ कर सी यिंग को छत से नीचे धक्का दे दे ती है और यिंग मारी जाती है। और इसका मतलब सी ने ही जानबूझ के यिंग को मारा था और ये सब कुछ उस रात को ऑफ ने भी देख लिया था। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे जब सी को पता चलता है कि ऑफ को उसकी सारी सच्चाई पता है तो वो ऑफ के पास से भागने लगती है, पर ऑफ सी को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, बट अंडर वन कंडीशन कि सी को फिर से ऑफ से रिलेशन करना होगा। अब सी ऑफ की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ऑफ सी को नहीं छोड़ता और फिर सी एक चाकू उठाती है और उस चाकू को ऑफ के गले में स्टैब कर देती है। ऑफ के गले में से बहुत तेजी से खून निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। अब पागल सी एक भारी पत्थर के मॉडल को उठाती है और वो उस पत्थर को कई बार ऑफ के सर पर मारती है और ऑफ बुरी तरह मारा जाता है। कुछ देर बाद बाउई वापस घर आती है और वो ऑफ के खून पे फिसल कर नीचे गिर जाती है। बाउई को रूम में जब ऑफ की बॉडी दिखाई देती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और तभी सी वहाँ पे आ जाती है जिसके हाथ में होता है वही भारी पत्थर। अब सी याद करती है कि कैसे बचपन में बाउई उसकी गुड़ियों को छीन लेती थी और बड़े होने के बाद भी बाउई ने उससे मिस्टर कांड को छीनने की कोशिश करी और इसलिए सी अब गुस्से में बाउई को भी मार डालती है। अब सी अपने घर में बैठ के रोने लगती है, पर अब उसके पास आती है यिंग की भयानक आत्मा। सी उस आत्मा से बुरी तरह डर जाती है और वो एक चाकू को उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। अब यिंग की आत्मा सी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और वो आत्मा जैसे ही सी को टच करने वाली थी वैसे ही सी उस चाकू को आत्मा के अंदर स्टैब कर देती है, पर असल में सी ने मिस्टर कांड को स्टैब करके मार डाला था। और जब सी को होश आता है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। अब बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था और सी कांड बाउई और ऑफ की लाश को लेके पहुंचती है उसी श्राइन के पास जिसमें काम चल रहा था। उस श्राइन के पास एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें सी तीनों लाशों को फेंक देती है और उस गड्ढे में बारिश का पानी भरने लगता है। अब उसी वक्त सी को यिंग की स्पिरिट दिखाई देती है जो झाड़ियों से निकलती है और सी को उसी गड्ढे में गिरा देती है। सी अब उन तीनों लाशों के साथ पानी में तैरने लगती है और वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो जाग जाती है। जागने के बाद सी हिल नहीं पाती क्योंकि उसके पूरे शरीर को अननोन एंटिटीज़ ने पकड़ लिया था और सी घबराकर एक और बार जाग जाती है। अब सी को चैन की सांस आती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब बस एक सपना था। कुछ देर बाद सी को रूम के बाहर से शोर आने लगता है और जब दरवाज़ा सी खोलती है तो एक वाइट लाइट उसे टकराती है। सी अब सीधा पहुंच जाती है उस श्राइन के पास जहां पे लोगों की भीड़ लगी होती है। वो लोग एक एक करके बाउई कांड और ऑफ की डेड बॉडी को उस गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और सी समझ जाती है कि वो कोई सपना नहीं था। अब सी अपना होश संभाल ही रही थी कि एक चौथी डेड बॉडी लोगों को मिलती है जो होती है सी की, मतलब सी भी कल रात मारी गई थी। सीन कल रात पे शिफ्ट होता है जहाँ गड्ढे के अंदर हम सी को देख पाते हैं और सी को दिखाई देती है यिंग की स्पिरिट और यिंग की स्पिरिट अपना बदला लेने के लिए सी के ऊपर श्राइन गिरा देती है और सी श्राइन के नीचे दबकर मारी जाती है। सीन वापस सी की स्पिरिट पे जाता है जो अब रोने लगती है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। सी को लाशों के पास यिंग की स्पिरिट भी दिखाई देती है और सी को अपनी गलती का अच्छी तरीके से एहसास हो जाता है। इसके बाद सी की स्पिरिट फूट फूट कर रोने लगती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सी के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं जिसे सी ने ऑफ के लिए छोड़ दिया था। सी के एक्स बॉयफ्रेंड को जब सी की मौत के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में अपना टीवी कर वहां से चले जाता है और लास्ट सीन में हम सी की दुखी आत्मा को उन दोनों की पुरानी फोटो में देख पाते हैं और सी की आत्मा को लगता है कि उसे अपने पुराने बीएफ को नहीं छोड़ना चाहिए था।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉन्टेड लवर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।